एंड आज मैं अलसी का कुछ अच्छा सा इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जिसे आप दाल की जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या अभी मैं जा रही हूँ पैन गरम करने, जो आप देख सकते हैं गैस ऑन करके मैंने पैन गरम कर लिए हैं। अब इसमें ये 400 ग्राम के लगभग अलसी है, इसको मैं गर्म करूँगी। अच्छे से इसको भूनना है, अभी इसे भूने, इसी तरह भूनते जाएँ, पूरी तरह भून जाएंगे। उसके बाद मैं इसे ठंडा करूंगी। इसको मैं दो तरह का यूज करना आप लोग को बताऊंगी, जो आप देख सकते हैं। अलसी बहुत ही फायदेमंद होती है, गर्मियों के दिन में इसे जरूर खाना चाहिए। इसके लड्डू भी बनते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे चटकने लगेंगे, चटकने लगे तो आप इस पर ढक्कन डाल दें। आप देख सकते हैं इसे सकते हैं, ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अभी इसी तरह इसको बाउल में ट्रांसफ़र करके प्लेट में ठंडे कर ले, उसके बाद भी इसको मैं ग्राइंड करूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं तीसी को। आप इसे चावल में यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं, छाछ ले के साथ इसको मिक्स करके नमक डाल करके आप दाल की तरह यूज कर सकते हैं। रोटी दही के में भी इसे मिला करके आप रोटी के साथ ही यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है, गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है अलसी। और मैं अब अलसी का दूसरा यूज आप लोग को बता रही हूँ, जिससे मैं चटनी, मैंने थोड़ा सा 4 चम्मच के लगभग, 2 से 4 चम्मच के लिए लगभग मैं इसमें अलसी पिसा हुआ रख ली हूँ। इसी में मैं, आप देख सकते हैं, आप ये आम की खटाई है, इसे मैं इसमें डाली हूँ। चटनी बनाने जा रही हूँ मैं इसकी। इसकी चटनी भी बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें आप तीखा अधिक पसंद करते हो तो 2 मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो 1 भी यूज कर सकते हैं, आपके आप अपने स्वादानुसार डालें। इसमें अदरक आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच के लगभग, आप देख सकते हैं इसमें मैंने 5 से 10 के लगभग लहसुन की कलियां डाल दी है। और मैं अब नमक इसमें ऐड कर लूँगी, एक गिलास के लगभग पानी है, आधे गिलास के लगभग जितनी आवश्यकता होगी उतनी मैं डालूँगी, देख सकते हैं। ये आधी चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक डाले हैं, इतना इसके लिए पर्याप्त है। मैं अभी पानी, देख सकते हैं पानी इसमें ऐड कर लें और आप ग्राइंड कर लें, बहुत ही जल्दी ये चटनी बन जाती है। और इसकी स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी चटनी लग रही है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे इंजॉय करें, खाएं, और आप इसे हर तरह के खाने में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।